So we'll look at the problem number, question number 4S. Question number 4S is about, yes, a 1 ml sample of acetone. Okay, sample is given, 1 ml of sample of acetone, a common solvent used as a paint remover, was placed in a small bottle. Usko bottle mein rakha gaya. Okay, placed in a small bottle whose mass was known to be, ये मास किसका है? बॉटल का है. मास ऑफ बॉटल, मास ऑफ बॉटल कितना दिया हुआ है? 38.0015 grams. दिस इज द मास ऑफ द बॉटल. ओके, द फॉलोइंग वैल्यूज वेयर ऑब्टेंड व्हेन द एसीटोन इज फिल्ड बॉटल वाज वेट. ओके, जब हम लोगों ने एसीटोन एसीटोन जो भरा हुआ है इस बॉटल में, ओके, उसका वेट जब हम लोगों ने मेजर किया, ओके, तो वो मिला फर्स्ट इसके लिए 38.7798, ओके, सेकंड के लिए, ओके, दूसरे के लिए, थर्ड के लिए. सो आई विल राइट हियर मास, मास ऑफ एसीटोन, मास ऑफ एसीटोन. हाउ आई कैन कैलकुलेट मास ऑफ एसीटोन, ओके, इन बॉटल वन, इन फर्स्ट बॉटल. यस, कैसे निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? मास ऑफ बॉटल दिया गया है. ओके, मास ऑफ बॉटल, हमें मास ऑफ बॉटल दिया गया है. ओके, एंड द टोटल मास कितना है? 38.7798 grams. बराबर है, फर्स्ट इसका है. ओके, सेकंड इसका, सेकंड मास, सेकंड बॉटल का. ओके, सेकंड बॉटल्स में जो, बॉटल में जो क्वांटिटी भरी हुई है उसका मास कितना दिया हुआ है? 38.7795 grams. ओके, एंड मास, मास ऑफ बॉटल, थर्ड बॉटल का मास जो है वो कितना दिया हुआ है? 38.7801 grams दिया गया है. ओके, अभी देखो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग. ये देखो, मास ऑफ बॉटल, बॉटल का मास कितना है? 38.0015 ग्राम. सो व्हेन दिस एसीटोन, व्हेन दिस एसीटोन इज फील्ड इन द बॉटल फर्स्ट, हुज मास इज 38.7. सो इस बॉटल में किसका किसका मास है? दिस बॉटल कंसिस्ट ऑफ एसीटोन एज वेल एज मास ऑफ बॉटल. सो कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज द मास ऑफ एसीटोन? यस, मास ऑफ एसीटोन इन फर्स्ट बॉटल इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल वेट माइनस मास ऑफ द बॉटल 38.0015 ग्राम. समझ में आया सब लोगों को? अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल वेट में से हम लोग क्या करेंगे, बॉटल का वेट माइनस कर देंगे. बराबर है, बॉटल का वेट हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे. वेरी गुड. ओके, सो माइनस कर देंगे तो किसका मास मिलेगा हमें, किसका मास मिलेगा? मास ऑफ एसीटोन. वी विल गेट मास ऑफ एसीटोन विच इज प्रेजेंट इन अ फर्स्ट बॉटल. बराबर है, दिस इज द टोटल वेट ऑफ द बॉटल विच इज फिल्ड विथ एसीटोन. वी वॉन्ट ओनली मास ऑफ एसीटोन. ओके, सो इफ यू विल कैलकुलेट, यस, फॉर द फर्स्ट केस इट इज कमिंग 0.7778383 आएगा. देखा है सब लोगों को? ओके, 0.7783 विल बी फॉर द फर्स्ट बॉटल में जो एसीटोन है उसका मास मिलेगा. सेकंड में जो मास है, ओके, वो देखो 38.7795 ग्राम्स माइनस 38.0015 ग्राम्स. ओके, सो आंसर इज 0.7780 ग्राम्स. ओके, एंड फॉर द थर्ड केस 38.7801 माइनस 38.0015 आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.7786 ग्राम्स. ओके, सो दीज आर दी रेस्पेक्टिव मास आई हैव रिटन. ओके, सो बट व्हाट दे हैव मेंशन इन दिस प्रॉब्लम, द इफ द हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ दीज मेजरमेंट्स, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट और व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट और व्हाट वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट
प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ दीज मेजरमेंट्स, हमें क्या मेंशन करना है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेजर करना है. ओके, सो दी मेजर्ड वैल्यूज, दीज आर दी मेजर्ड वैल्यूज, बराबर, दीज आर दी मेजर्ड वैल्यूज ऑफ दी मास ऑफ एसीटोन एंड दे हैव मेंशन दैट द मेजरमेंट इफ द एक्चुअल मास ऑफ एसीटोन वॉज, एक्चुअल मास ऑफ एसीटोन, ओके, द एक्चुअल मास ऑफ एसीटोन इन्होंने दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, कितना है वो एक्चुअल मास ऑफ द, यस, हाउ मच दे हैव गिवन, 0.77991 ग्राम. लुक एट, नाउ यू कंपेयर, यू कंपेयर दिस वैल्यू विथ ऑल दीज वैल्यूज विच वी हैव ऑब्टेंड. आप कंपेयर करो, नियर अबाउट है 0.7793, 0.7780, 0.7786. सो द मेजर्ड वैल्यूज, दीज आर ऑल द मेजर्ड वैल्यूज. सो हमने जो भी वैल्यूज जो मेजर्ड किया है, दैट आर नियर अबाउट टू द एक्चुअल मास ऑफ एसीटोन. बराबर है ना, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, ओके, एक्चुअल है, नियर अबाउट है, ओके, नियर अबाउट है, क्योंकि 0.7793, 0.7780, 0.7786 means what, they are near about each other, okay. So we can say that the measurements are precise, okay. We can say that our measurement is precise. समझ में आया, कैसे बोल सकते हो, our measurement is precise on the basis that our actual value, okay, sorry, our all measured values are nearby actual value. समझ में आया सब लोगों को. सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं दैट आवर वट एवर ऑल वैल्यूज वी हैव मेजर्ड, जो भी हम लोगों ने वैल्यूज ये देखो मेजर्ड किया है, दैट आर नियर बाय आवर एक्चुअल वैल्यूज, मीन्स वॉट, वी कैन से दैट आवर answer is a precise, okay, repeatability of the answer, hum logon ne dekho isse repeat karke dekha, hum logon ne iske liye check kiya, that gives us the precision, repeatability, okay, jo hame milti hai, okay, answer mein, okay, that is called as the precision. So this is about the precision. Now what we have to find out is about its accuracy, okay. चलो हम लोग एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, बराबर है ना, जो वैल्यूज है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मीन निकालते हैं, बराबर है ना, मीन निकालते हैं. चलो मीन निकालेंगे 0.7783, वेरी फर्स्ट वैल्यू 0.7783, सेकंड वैल्यू इज 0.7780 ग्राम एंड द थर्ड वैल्यू इज 0.7786, ओके. सो वी विल फाइंड आउट द मीन. सो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 सैंपल्स वी हैव टेकन, 3 readings we have taken, so that's why divide by 3. So the mean is getting 0.7783 grams. So this is the value. Okay, this is the value of mean. समझ में आया ना, mean कैसे निकाला तो? Have you understood how we calculated the mean? So mean is equals to this value. So now if we want to find out how much is the difference, how much is the difference between our mean value and the actual answer, aap dekh sakte ho, actual answer dekho aapka, okay, or mean value dekho, okay, how you can find out the difference, yes, kaise find out kar sakte ho aap log difference, yes, by subtracting, okay, any other technique by which we can find out, yes, okay. So what we have to find out is, yes, hame find out karna hai ki kitna isme accuracy hai, okay, what is the accuracy, okay, accuracy of the answer, and that we will find out, yes, the answer what we have get, actual value kitni hai, yes, actual value kitni hai, what is the actual value,
व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल यस 0.7791, ओके, सो 0.7791 ग्राम, विच इज ग्रेटर, ओके, विच इज ग्रेटर देन अवर मीन, ओके, मीन से ज्यादा है हमारी वो वाली वैल्यू. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, बराबर है, परसेंटेज निकालेंगे. सो एक्चुअल वैल्यू, ओके, एक्चुअल वैल्यू, ओके, सो एक्चुअल वैल्यू माइनस द मीन वैल्यू, ओके, सो अवर मीन, ओके, अवर वैल्यू ऑफ मीन, सो एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन, ओके, डिवाइड बाय अवर एक्चुअल वैल्यू, डिवाइड बाय अवर एक्चुअल वैल्यू, एंड दैट इज इन परसेंटेज वी विल कैलकुलेट, दैट इज इन परसेंटेज वी विल कैलकुलेट. सो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 0.7791 ग्राम होनी चाहिए, ओके, और हमारा मीन कितना आया, 0.7783 आया है, ओके, सो डिवाइड बाय 0.7791, ओके, ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100. इफ यू विल सॉल्व दिस, इफ यू विल सॉल्व दिस, द आंसर दैट यू विल गेट, ओके, जो आंसर जो मिलने वाला है आप लोगों को, ओके, आप लोग क्रॉस चेक करो आंसर कितना मिल रहा है, तो ओके, सो आंसर, द आंसर इज यस, देखो कितना है, तो कितना है आंसर इसका, कैलकुलेट करो. सो यू विल ऑब्जर्व 0.10, ओके, 0. मींस 10%, अगर परसेंटेज में अगर निकालते हैं हम लोग, ओके, सो दैट विल बी द 10%. एक बार चेक कर लो सब लोग वैल्यू, 0.7791 माइनस 0.7783 डिवाइड बाय 0.779. तो परसेंटेज में आई थिंक कम आ रही है, 0.10, ओके, 0.10% आ रहा है, दिस इज द आंसर. सो वेरी वी कैन से दैट द डिफरेंस है, उसमें जो डिफरेंस है, सो वी कैन डिफाइन दिस एज अ परसेंटेज डिफरेंस, ओके, वी कैन डिफाइन दिस एज अ परसेंटेज डिफरेंस, द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ एवरेज मेजरमेंट टू द एक्चुअल मास, ओके, सो percentage difference is very small, okay, how we can say percentage difference, jo percentage jo difference mila hai, percentage difference of this value, percentage difference is very small, okay, it is very small, that is 0.1%, 0.1% yani bahut hi kam percentage hai, okay, so that's why we can say that the measurement is accurate, we can say that our measurement is accurate, our measurement is accurate, ओके, समझ में आया सब लोगों को ये वाला, ओके, सो दिस वाज टू डिफाइन द परसेंट द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन ऑफ दिस, ओके, एक्यूरेसी और परसेंटेज निकालना था हमें, ओके, तो उस तरीके से हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट किया, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर एस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर एस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टी. Your laboratory partner was given the task of measuring the length of box approximately 5 inch. Okay, जो box का जो length है, inch 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 या inch क्या है, किसका measurement है? Inch, meter, centimeter, mm, what these are? These are the measurements of length. Length के measurement है. किसके measurement से? लेंथ के मेजरमेंट्स है, ओके, सो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ लेंथ, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर टी. योर लैबोरेटरी पार्टनर वॉज गिवन द टास्क ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ बॉक्स, ओके, सो लेंथ ऑफ द बॉक्स कितना है, लेंथ ऑफ द बॉक्स हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, length of the box is approximately, yes, approximately 5 inch, okay, 5 inch,
as accurately as possible using a meter stick. Using a meter stick, यानी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मीटर स्टिक यूज कर रहे हो, मीटर स्टिक यू आर, वी आर यूजिंग मीटर स्टिक. ओके, ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर. ओके, व्हाट इज दैट, दिस मीटर स्टिक, दिस मीटर स्टिक. ओके, सो कहा गया, दिस इज द मीटर स्टिक. ओके, मीटर स्टिक विच इज ग्रेजुएटेड. ओके, विच इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड in millimeters, in millimeters, in millimeters. Okay, this is very important. Isme ye word important hai. Okay, the question, the complete question lies in the meaning of this. Okay, meter stick graduated in millimeters. Yani this is a scale, this is a scale which is measured in mm, mm mein measurement kiya hua hai iska. Okay, mm mein, like this, this is measured. Okay, millimeter mein, so it is mm में है. ओके, ये जो है स्केल, इट इज इन mm, यानी इसका जो लीस्ट जो काउंट है वो किस में है, mm में है. लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसका जो मेजरमेंट है दैट इज इन mm. ओके, आपके पास जो स्केल है 15 सेंटीमीटर का अगर है आपके पास तो आप लोग देख लो, सब लोग एक बार देखो आप लोग उसको, आपके पास अगर स्केल होगा तो उसमें देखो आप लोग, व्हाट इज द लीस्ट यूनिट ऑफ दैट, व्हाट इज द लीस्ट यूनिट ऑफ दैट स्केल. ओके, जो डिवीजन है वन डिवीजन, ओके, एमएम में है, बराबर है. दैट इज व्हाट द मीनिंग कॉल्ड एज अ मीटर स्टिक व्हिच इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, मींस व्हाट, उसका जो लीस्ट काउंट है वो किस में है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आप जो देख सकते हो उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, लीस्ट काउंट जो निकाल सकते हो उसमें से, वो है उसमें जो लीस्ट जो डिवीजन है वो दिखाई दे रहा है, एमएम में है, वो किस में है, mm में है, मिलीमीटर में आपको वो डिवीजन दिखाई दे रहा है. ओके, सो नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये पूछा है उसमें दैट ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स ही सप्लाइड यू विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स. ओके, अभी मेजरमेंट्स दिया है उसने. ओके, कौन से मेजरमेंट दिया है देखते हैं. ओके, सप्लाइड द फॉलोइंग मेजरमेंट, 12.65 सेंटीमीटर उसने मेजरमेंट लिया है एक का, दूसरे इसका 12.6 सेंटीमीटर मेजर किया है. ओके, 12.65 सेंटीमीटर मेजर किया है उसने, 12.655 सेंटीमीटर मेजर किया है. ओके, ये शायद से डबल डबल हो गया ना, ट्वाइस हो गया, 12.65 डबल लिख दिया उसमें. ओके, देन 126.55 mm भी मेजर किया है और 12 सेंटीमीटर भी मेजर किया है. नाउ द क्वेश्चन वेरी फर्स्ट इज स्टेट व्हिच ऑफ द मेजरमेंट्स यू वुड एक्सेप्ट गिविंग द रीजन. यस, कौन सा एक्सेप्ट करोगे आप लोग, यस, गिविंग द रीजन, यस, How you would answer this question? State which of the measurement you accept giving the reason. कौन सा measurement इसमें से हम लोग accept कर सकते हैं अगर आपकी meter stick, okay, graduated in millimeters, okay, graduated in millimeters, okay, graduated in millimeter में अगर है, so yes. What is the meaning of that? Yeah, graduated in the millimeters means what? This will be measured in mm. This will be measured in millimeters. The meaning of graduated in mm means what? It can measure in mm. It can, this scale can measure in mm. mm में measure कर सकते हैं. चलो, centimeter. 126 centimeter means what? 126 centimeter means what? 12.6 सेंटीमीटर मींस व्हाट, हाउ मच एमएम, वी विल कन्वर्ट ऑल दिस इनटू एमएम, यस, बोलो, 12.6 सेंटीमीटर, आप लोगों के पास स्केल होगी तो आप लोग देख सकते हो, 12.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कन्वर्जन, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, बराबर है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है, बराबर है. चलो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 126 mm हो जाएगा. चलो,
ये देखो 12.65 सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 126.5 एमएम। चलो इसको मेजर करो एमएम में, ये क्या हो जाएगा 12.666, यस बोलो 126.55, वेरी गुड 55 एमएम। देन हियर इट इज, यस ये ऑलरेडी एमएम में है, ये ऑलरेडी एमएम में है 126.55 एमएम ही रहेगा उसका कन्वर्जन। वी आर कन्वर्टिंग दिस स्केल इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर बिकॉज आवर स्केल इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। हमारी जो स्केल है वो किसमें है, मिलीमीटर्स में है, ओके मिलीमीटर्स में। देन दिस 12 सेंटीमीटर, यस यस 12 सेंटीमीटर, यस 12 सेंटीमीटर 120 मिलीमीटर, बराबर है ना। सो दिस 12 सेंटीमीटर ओके दैट इज इक्वल टू 120 मीटर। स्टेट व्हिच ऑफ द मेजरमेंट यू वुड एक्सेप्ट गिविंग द रीजन, यस बोलो कौन सा आप लोग रीडिंग एक्सेप्ट करोगे, बोलो। द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज, म्यूट करो, साउंड म्यूट करो प्लीज, माइक म्यूट करो, आवाज बहुत खराब। लेंथ ऑफ द बॉक्स इज अप्रोक्सीमेटली 5 inches, ओके 5 inches है, ओके 5 inches, यस बोलो। बेस्ड ऑन दिस गिवन डेटा क्या बोल सकते हो आप लोग, यस स्टेट व्हिच ऑफ द मेजरमेंट यू वुड एक्सेप्ट गिविंग रीजन। द आंसर दैट आई वुड एक्सेप्ट, ओके सो जिनके भी पास, अगर आपके पास मोबाइल है आप लोगों के पास, आप यूनिट कन्वर्ट करके देखो 5 inch यानी कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, 5 inch यानी कितना होता है देखो एक बार अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट करके देखो, यूनिट कन्वर्ट करके देखो आप लोग अपने मोबाइल में यूनिट कन्वर्टर में, लेंथ मेजर लेंथ चेंज करके देखो। सो यू विल ऑब्जर्व 5 inches इज एमएम इज हाउ मच, हाउ मच अराउंड, इट इज अराउंड 127 एमएम, बराबर है ना, इट इज अराउंड 127 एमएम, 5 inch इज अराउंड 127 mm. So, इसलिए इन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ द बॉक्स इज अप्रोक्सीमेटली 5 inch है, उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर चाहिए, कौन सा एक्सेप्ट करेंगे। चलो नीचे से स्टार्ट करते, चलो व्हाट अबाउट दिस 120 mm, कैन वी सिलेक्ट दिस 120 mm, नो वी कैन नॉट सिलेक्ट दिस 120 mm, ओके सो एग्जैक्टली 120 mm वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट वैल्यू 12 cm। चलो ये वाली एक्सेप्ट वैल्यू कर, ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या 126.55, वी कैन नॉट बिकॉज अवर स्केल इज ग्रेजुएटेड विथ एमएम, हम लोग मिलीमीटर में ही मेजर कर सकते हैं, उसके आगे जो 0.55 है वो कहां से मेजर करोगे आप लोग, समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया। अवर स्केल इज ग्रेजुएटेड इन एमएम ओनली, हम लोग एमएम में ही मेजर कर सकते हैं। अभी देखो ये 126 मिलीमीटर हो गया और बट 0.55 कहां पे मेजर करोगे आप लोग स्केल पे, समझ में आया ना। सो दिस आल्सो यू कैन नॉट मेजर, समझ में आया आंसर इसका, देखो बहुत ही ट्रिकी आंसर इसका, ओके सो बिकॉज दिस इज 0.55 आपके स्केल में एमएम में 0.55 मेजर करके दिखाओ आप लोग, अगर वो स्केल ही एमएम में है बराबर है तो उसमें कहां से आप 0.55 आप मेजर करोगे, नहीं मेजर कर सकते हो, ओके एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हो। देन हियर 126.55 हियर आल्सो द सेम प्रॉब्लम, यू कैन मेजर 126 एमएम, ओके यू कैन मेजर 126 एमएम बट यू कैन नॉट मेजर 0.55 एमएम, हाउ यू विल मेजर विद द स्केल ऑफ ग्रेजुएटेड विद एमएम, सो दिस आल्सो आंसर इज नॉट राइट। व्हाट अबाउट दिस 126.5, yes it is also same 126 mm you can measure but what about 0.5 millimeter, this also you cannot measure, yes what about the answer next 126 mm that is 12.6 centimeter, barabar hai 12.6 centimeter is equals to exactly 126 mm which is exactly 126 mm, look at this value 126 mm and 127 mm, क्या डिफरेंस है, 1 mm का डिफरेंस है, ओके 1 mm का डिफरेंस है, as well as yes you can measure it, you can now measure this value, ओके अगर आप ये बोलोगे 120 mm में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ओके सो 126 mm इज वॉट
12.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 126 mm विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेजुएटेड स्केल विच इज इन मिलीमीटर यू कैन मेजर दिस रीडिंग एंड इट्स वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली द लेंथ ऑफ द बॉक्स. समझ में आया ना, अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू विल बी नियर अबाउट द लेंथ ऑफ द बॉक्स. वी विल नॉट सिलेक्ट दिस वैल्यू 12 सेंटीमीटर दैट इज 120 mm. 0.7 ओके दैट इज सॉरी पॉइंट नॉट पॉइंट सेवन 7 mm का डिफरेंस है. देखो आप यहाँ पे 120 में और 127 में 7 mm का डिफरेंस है. समझ में आया ना, दैट्स वाई द आंसर इज नॉट 120 mm neither that is 12 सेंटीमीटर. द करेक्ट आंसर इज 12.6 सेंटीमीटर. ओके बस यही था आंसर इसका. ओके क्वेश्चन और भी है इसमें. यस गिव योर रीजन फॉर रिजेक्टिंग ईच ऑफ द अदर्स. यस दिस इज द सेम रीजन यू हैव टू गिव. समझ में आया ना, जो रीजन मैंने अभी यहाँ पे दिया. ओके वाई यू कैन नॉट सिलेक्ट 120 mm? Why you cannot select 120 mm? Because the difference between 5 inch and 120 mm is thoda sa zyada difference hai. 7 mm ka difference hai. 7 mm means near about 1 cm. Is it correct or not? Barabar hai. 7 mm means what? Near about 1 cm ka difference hai. And this difference in measurement will not be accepted. Barabar hai na? Difference itna accept nahi hota hai. Okay. What about the rest of the readings? For the rest of the readings, this the reason you will provide that our scale is graduated in terms of millimeter. The least count that we can measure with the scale is in terms of millimeter. But right now, the answer we have got that is in terms of decimal points में मिला है. तो decimal points के आगे जो है वो हम लोग scale पे नहीं, ये वाला part नहीं measure कर सकते, ये वाला part नहीं measure कर सकते. That's why we will not select this. समझ में है? But 12.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 126 mm विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अवर स्केल विच इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वॉज समवॉट ट्रिकी अबाउट दिस. ओके चलो. ओके सो दिस रीजन यू हैव टू राइट डाउन. ओके सो क्वेश्चन टी हो गया. यस क्वेश्चन नंबर यू देखेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर यू देखेंगे एंड वी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ यू. सो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर फोर्थ यू. व्हाट दे हैव मेंशन? वेट दे हैव मेंशन आई थिंक. यस वेट. व्हाट वेट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड? कैल्शियम ऑक्साइड का कितना वेट? व्हाट वेट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड? Okay, what weight of the calcium oxide will be formed on heating 19.3 gram of calcium carbonate? Okay, so how much is a gram of the calcium carbonate? Yes, kitne gram hai? Calcium carbonate. Simple question hai, I think ye wala. CaCO3, when it is heated, okay, it will produce calcium oxide plus carbon dioxide. You know very well. Okay. And in this reaction, okay, calcium, yes, 40 plus carbon, 12, oxygen, 3 multiply by 16, okay, 3 multiply by 16, and calcium, here it is 40 plus oxygen 16, carbon 12 plus oxygen 2 multiply by 16. Samajh mein aaya na main kya likh raha hu to? Kya likh raha hu to? So there mass likh raha hu main. So this is around 100 gram. This is around 56 gram. I think ये एक दो problem इसके हम लोगों ने सॉल्व कर लिए है. बहुत ही सिंपल है आंसर इसका. ओके क्वेश्चन ये पूछा है कि 100 ग्राम यानी अगर हम लोग लिख सकते हैं फॉर 100 ग्राम ऑफ CaCO3 वी आर ओके वी हैव गॉट 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. ओके देन फॉर क्वेश्चन ये पूछा है 19.3 ग्राम ऑफ CaCO3 के लिए हमें कितना ग्राम चाहिए? ओके कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड? तो ये सिंपल है, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 19.3 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 100. ओके सो आंसर इज 10.808 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. फॉर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट गेट डिकम्पोज आफ्टर हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर 19 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर है, 19 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, तो कितना कितना क्वांटिटी में कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा? तो दिस इज द आंसर, सिंपल क्वेश्चन. ओके, सो द लास्ट प्रॉब्लम वी विल सॉल्व, ऑल ऑफ यू विल सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेकंड चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4V. क्वेश्चन नंबर 4V, म्यूट कर लो आवाज सब लोग. यस, क्वेश्चन नंबर 4V. क्वेश्चन नंबर 4V, यस, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4V. ओके, सो द आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट. ओके, एन आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द एनर्जी रिलीज व्हेन 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर बर्न. ओके, सो 34 ग्राम्स for of what sucrose, so 34 gram of sucrose that will last for around 1 hour. Okay, that will last for around 1 hour for the astronaut. Okay, 1 hour ke liye usko energy milegi if he consumes 34 gram of sucrose. Okay, then how many grams of oxygen would be needed? Okay, how, so we want answer in terms of oxygen aur usme bhi grams chahiye. Okay, how many grams of oxygen, so how many grams of oxygen, okay, oxygen ka calculate karna hai hame, oxygen calculate karna hai, that is in terms of gram. Okay, how many grams of oxygen would be needed to be carried in a space capsules, okay, to meet his requirement for one day. Okay, so how much oxygen will be required in terms of gram. Okay, isko main expand karta hu, how much oxygen will be required in terms of grams for 24 hours. Samajh mein aaya question? 24 hours. Okay, question mein kya pucha gaya hai, that 34 grams of sucrose is required to consume by the astronaut for 1 hour. 1 hour ke liye usko itna sucrose lagta hai. Okay, so how much oxygen that it will be required to store in a capsule, capsule mein usko store karne ke liye, okay, kitna grams lagega 24 grams 24 hours mein. Okay, so actually the problem looks to be very difficult, but when you will write the its reaction jab aap iske likhoge na, tab wo problem simple ho jata hai. And reaction which is associated about the sucrose, that is C12H22 and O11, C12H22 O11 sucrose. Okay, sucrose when this combines with 12 oxygen, that is O2, okay, it forms 12 CO2 and 11 H2O. 12 CO2 and 11 moles of H2O. Samajh mein? So if you write this reaction, now you can easily understood. Okay, aap abhi samajh sakte ho. Okay, so यहाँ पे कुछ दिया है क्या? गिवन डेटा, गिवन डेटा दे हैव नॉट प्रोवाइडेड. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो सुक्रोज, ओके, सो सुक्रोज का जो फॉर्मूला है, चलो उसको उसमें देखो आप लोग. ओके, 22 ऑक्सीजन 11. ओके, सो दिस सुक्रोज, ओके, दिस सुक्रोज इज रिएक्ट्स विद 12 ऑक्सीजन, बराबर है, 12 ऑक्सीजन. तो देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 2 × 16. ओके, सो द आंसर इज, इसका कितना आंसर आ रहा है देखो आप लोग. ओके, 384 ग्राम्स. ओके, चलो C12 इसका, कार्बन 12 का अपना, तो कार्बन 12 का 12 × 12 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 22 आएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना आएगा, यस 16 × 11. जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है आंसर, चेक करो इसको एक बार. 144 + 22, यस कितना आ रहा है, यस इसका आंसर कितना आ रहा है, 342 ग्राम.
ओके तो इसका मीनिंग क्या है? यू कैन नाउ से दैट 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज विल कंज्यूम 384 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके 384 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट वी वांट, हमें कितना चाहिए यहाँ पे? यस कितना क्वांटिटी निकालना है हमें? 34 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, ओके विल कंटेन हाउ मच ग्राम? ओके 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 चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? एनी आइडिया अबाउट दिस? 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज विल बी रिक्वायर्ड, ओके 34 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज विल बी रिक्वायर्ड बाय दिस एस्ट्रोनॉट इन 1 आवर, 1 घंटे में इसको 34 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज चाहिए, ओके और द रिएक्शन बिटवीन दिस सुक्रोज एंड दिस 12 ऑक्सीजन, इसका मीनिंग ये है कि 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज विल बी रिक्वायर्ड टू कंज्यूम दिस 384 ग्राम, ओके चलो इसको थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं हम लोग, यहीं पे लिख लेते हैं, ओके सो फॉर 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, कोरिलेट करते हैं हम लोग पहले, सबसे पहले फॉर 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज द ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन जो अमाउंट है वो कितना है? 384 ग्राम ऑफ O2, बराबर है? 384 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ओके देन वो पहले निकालना पड़ेगा ना हमें कि 34 ग्राम के लिए क्या है, कितना अमाउंट है ऑक्सीजन का, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं 24 आवर्स के लिए। समझ में आया ना? ओके समझ में आया ना कैसा क्वेश्चन है? तो ये पूछा गया 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज इट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 आवर, उसको 1 घंटे के लिए, बट पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 34 ग्राम सुक्रोज कंजम्पशन के लिए कितना उसके ऑक्सीजन चाहिए, बराबर है ना? टू कंज्यूम 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, सो दैट वी आर फाइंडिंग राइट नाउ, सो वी हैव रिटन दैट फॉर 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन इज 384 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन फॉर 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज, फॉर 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? एक बार फिर से ये वाला रिलेशन देखो आप लोग कैसे निकाला, क्योंकि इसी रिलेशन पे निकालेंगे हम लोग आंसर। वी हैव रिटन दिस केमिकल रिएक्शन C12H22O11 सुक्रोज व्हेन रिएक्ट विद 12 टाइम्स ऑक्सीजन गिव राइज टू 12 CO2 प्लस 11 H2, ओके सो नाउ 342 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 384 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज विल रिक्वायर हाउ मच ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यक्स इज इक्वल टू 384 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 342, इसको सॉल्व करो 384 मल्टीप्लाई बाय 34, ओके सो द आंसर ऑफ यक्स इज 38, चेक कर लो आप लोग 38.175 ऑफ ऑक्सीजन, चेक कर लो आप एक बार वैल्यूज, यक्स इज इक्वल्स टू 384 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 342, ओके सो 38.175, ओके इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट यू कैन से हियर 34 ग्राम ऑफ सुक्रोज विल बी रिक्वायर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए वो जो कंज्यूम कर रहा है ऑक्सीजन कितने कंज्यूम कर रहा है वो 38.175 ग्राम, बराबर है आंसर, बराबर है ना, ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ओके ऑक्सीजन इतना उसको ऑक्सीजन चाहिए 1 आवर के लिए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है अभी कि 24 आवर्स के लिए उसको कितना चाहिए, बराबर है ना, सो हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम फॉर 24 आवर्स, क्या करेंगे हम लोग सिर्फ बस मल्टीप्लाई कर देंगे अब, ओके सो फॉर 24 आवर्स, फॉर 24 आवर्स वी विल मल्टीप्लाई व्हाट द ऑक्सीजन विथ आवर्स, बराबर है फॉर 1 आवर, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर 1 आवर के लिए उसको 38.175 लग रहा है, ओके ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर लग रहा है उसको तो 24 आवर के लिए उसको कितना चाहिए यहाँ पे, ओके सो दैट विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाई
24 मल्टीप्लाई बाय 38.175 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना आ रहा है इसका आंसर, क्रॉस चेक कर लो एक बार, 916.200 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट। समझ में आया क्या आप लोगों को, इतना ऑक्सीजन लगता है, समझ में आया। सो व्हेन 24 ग्राम ऑफ सुक्रोज विल बर्न इन 1 आवर, ओके, सो 38.17